हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद इंजीनियरिंग मेथड्स में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनसाइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड देयर फंक्शन। स्टमक, पेट, इट इज ए मसलर बैग, इट स्टोर्स फूड दैट वी ईट, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। यह एक मांसपेशीय थैली है, यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को संग्रहित करती है, यह भोजन के पाचन में मदद करती है। सेकेंड इज ब्रेन, दिमाग, इट लाइज इन द स्कूल, इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ ऑल द अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यह सिर में स्थित है, यह शरीर के अन्य सभी भागों के कार्यों को नियंत्रित करता है। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं। हार्ट, हृदय, दिल, इट सेंड्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। यह शरीर के सभी भागों में रक्त भेजता है, यह प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। दोस्तों, स्मॉल वीडियो क्लिप के थ्रू आप अपनी मेमोरी को बहुत शार्प कर सकते हैं। किडनीज, गुर्दे, किडनीज रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, दे आर ऑल्सो इन पेयर। गुर्दे पेशाब के रूप में शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं, वे भी जोड़ों में होते हैं, वो भी पेयर्स में होते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। लंग्स, फेफड़े, लंग्स आर इन पेयर, दे हेल्प अस इन ब्रीथिंग। फेफड़े जोड़ों में होते हैं, ये भी पेयर में होते हैं, वे हमें सांस लेने में मदद करते हैं। आप कई बार ऐसे देखते हैं कि हमें सांस लेने में ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, कफ जम जाता है, उसकी वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। लीवर, यकृत, जिगर, इट इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन, इट डज मैनी वर्क्स, इट इज़ कॉल्ड द केमिकल प्रोसेसिंग सेंटर। यह सबसे बड़ा अंग है, यह कई कार्य करता है, इसे रासायनिक प्रसंस्करण केंद्र कहा जाता है। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके सारी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।